गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्रिया का एक अभ्यास। अभी तक हम क्रिया शब्दों को जान चुके हैं, हमने ये भी देख लिया है कि कर्ता, कर्म और क्रिया क्या होते हैं, यानी कि संक्षिप्त में कह सकते हैं काम वाले शब्दों को हम क्रिया बोलते हैं। जो काम करता है वो व्यक्ति कर्ता होता है और जिस चीज के द्वारा क्रिया की जाती है उसे हम कर्म कहते हैं, और कर्ता कर्म के साथ में क्रिया को जोड़कर ही वाक्य पूरे बनते हैं। तो यहाँ पर हमने कर्ता, कर्म, क्रिया पहचान लिया। अब हम जो अभ्यास करने जा रहे हैं, इस अभ्यास में आप देख सकते हो कि मैंने कुछ शब्द लिखे हैं दो कॉलम्स में। तो यहाँ इन शब्दों को करना क्या है, एक तरफ चीजें हैं यानी कि कर्ता है, दूसरी तरफ क्रिया है, तो हमें सही क्रिया शब्द का मिलान उस शब्दों से करना है। शब्दों का मिलान उचित क्रिया शब्द से करो, यानी कि शब्द देखकर आपको पहचानना है कि उस शब्द, उस चीज़ के द्वारा कौन सी क्रिया की जाती है और उसे मिलाना है। जैसे कि पक्षी, अब पक्षी तैरता है, तैरना, लिखना, भौंकना या उड़ना, तो पक्षी के द्वारा कौन सी क्रिया की जाती है, उड़ने की, तो पक्षी को हम इसे मिला दिए उड़ना, पक्षी की क्रिया उड़ना। मछली, मछली की क्रिया तैरना होगी, सही, तो यहाँ हम मिला देंगे तैरना। अब बात करते हैं कलम, कलम की क्रिया क्या होगी, लिखना या भौंकना, तो कलम से हम क्या करते हैं, लिखने का काम, तो कलम की क्रिया होगी लिखना। अब आ रहा है कुत्ता, तो कुत्ते की क्रिया क्या हुई, भौंकना। तो इस प्रकार हमने क्या मिलाया, पक्षी उड़ना, मछली तैरना, कलम लिखना, कुत्ता भौंकना। अब आते हैं इस तरफ, यहाँ हमने दिया किताब, फल, घोड़ा और फूल। तो सबसे पहले देखते हैं किताब, किताब की क्रिया क्या होगी, दौड़ना नहीं, खेलना नहीं, खाना नहीं, पढ़ना हाँ। किताब के साथ क्रिया क्या होगी, किताब पढ़ना, किताब की क्रिया पढ़ना। अब आया फल, फल के साथ क्रिया कौन सी होगी, दौड़ना नहीं, खेलना नहीं, खाना हाँ, फल खाते हैं, फल के साथ क्रिया होगी खाना। अब आता है घोड़ा, घोड़े के साथ क्रिया मिलाने की कोशिश करते हैं, दौड़ना या खेलना, तो जाहिर सी बात है कि घोड़ा है तो दौड़ने का काम करता है, तो घोड़े की क्रिया होगी दौड़ना। तो फूल की क्रिया क्या बची अंत में, खिलना, फूल क्या करता है, खिलता है। तो इस प्रकार हमारे पास कौन कौन से शब्दों के जोड़े बने, किताब पढ़ना, फल खाना, घोड़ा दौड़ना, फूल खिलना। तो ये हमारे शब्दों के रूप हैं, जहाँ पर आपने देखा कि पक्षी के द्वारा क्रिया हो रही है उड़ना, मछली के द्वारा तैरना, कलम से लिखते हैं और कुत्ते का काम भौंकना, उसी प्रकार किताब का काम पढ़ना, फल का क्रिया की जाती है खाना, घोड़े की क्रिया दौड़ना और फूल की क्रिया खिलना। तो आपसे इस प्रकार भी शब्दों के क्रिया रूप या क्रिया से शब्दों का मिलान करने को पूछा जा सकता है, या इनकी सहायता से वाक्य बनाने के लिए भी कहा जा सकता है। किसी भी रूप में अभ्यास आपसे पूछ सकते हैं, तो कीजिए अभ्यास इसी तरीके से और बने रहिए हमारे साथ। कुछ और एडिशन के साथ हम आपसे मिलेंगे अगले मॉड्यूल में, तब तक के लिए टेक केयर।